हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.9 और 5.10 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.9 को सॉल्व करते हैं। ए रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 केजी इज ब्लास्टेड अपवर्ड विथ एन इनिशियल एक्सलरेशन ऑफ 5 m/s² कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। एक रॉकेट है जिसका मास 20,000 केजी है, उसको ब्लास्ट करके अपवर्ड डायरेक्शन में यानी स्पेस में भेजा जाता है, तो उसका जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वह 5 m/s² है। तो हमें जो अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट पर जो फोर्स लग रहा है यानी अप थ्रस्ट है जो ब्लास्ट के कारण, उसे हमें मालूम करना है। तो देखिए, ये रॉकेट है, इसको ब्लास्ट करके स्पेस में भेजा जा रहा है। तो अब हम इसका जो रॉकेट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, ब्लास्ट के कारण ब्लास्ट किया जाता है, तो इसके कारण अप थ्रस्ट फोर्स, और इसको मान लेते हैं कि एफ है अप थ्रस्ट फोर्स, जिसका हमें वैल्यू निकालना है। और इसे जो रॉकेट है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके वेट के इक्वल फोर्स लगेगा, वह ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स से रॉकेट पर लगेगा वह रॉकेट के वेट के इक्वल होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और यह होगा mg। m यहाँ पर रॉकेट का मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें मास दिया गया है, रॉकेट का जो मास है वह 20,000 केजी दिया गया है और इनिशियल एक्सेलरेशन भी दिया गया है a इक्वल टू 5 m/s². यह अपर डायरेक्शन में 5 m/s² से जा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू 10 m/s² ले लेते हैं। तो अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑन द रॉकेट, नेट फोर्स थ्रस्ट विल बी। अब हम न्यूटन का सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे तो जो नेट फोर्स होता है वह इक्वल टू एक्सेलरेशन के और एक्सेलरेशन और मास के इक्वल होगा। तो इस पर जो नेट फोर्स है उसको निकालते हैं। नेट फोर्स से रॉकेट पर क्या लगेगा, देखिए अप थ्रस्ट फोर्स है जो अपर डायरेक्शन में है और इसका वेट के का वेट जो है mg वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस एम जी नेट फोर्स हो जाएगा। वह इक्वल होगा जो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार जो फोर्स क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मास एम मान लेते हैं, एम है इसका और ए एक्सेलरेशन है, तो जो नेट फोर्स एफ माइनस एम जी हो जाएगा एम ए के इक्वल। और इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो एफ इक्वल टू एम कॉमन ले लेते हैं, जी प्लस ए हो जाएगा, एम जी को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और एम कॉमन लेंगे तो जी प्लस ए हो जाएगा। तो एफ हम निकाल लेते हैं तो एफ हो जाएगा एम, हमें क्वेश्चन में दिया गया है 20,000, और जी प्लस ए हो जाएगा 10 + 5, 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और 5 जो इसका जो एक्सेलरेशन है रॉकेट का, वह इनिशियल जो एक्सेलरेशन है वह 5 है, 5 m/s² है। तो ये हो गया 15, तो 20,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 raised to power 10 न्यूटन। तो यह जो फोर्स है अप थ्रस्ट फोर्स वह इक्वल हो जाएगा 3 × 5 raised to 10 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। तो यह हमारा 5.9 जो एक्सरसाइज है वह सॉल्व हो गया। अब हम 5.10 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 0.40 केजी मूविंग इनिशियली विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 m/s टू द नॉर्थ इज सब्जेक्ट टू ए कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 8 N डायरेक्टेड टुवार्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास हमें दिया गया है 0.4 केजी और उस पर एक फोर्स लग रहा है 8 N का फोर्स लग रहा है और वह 30 सेकेंड तक फोर्स लगता है और वह साउथ डायरेक्शन में है
और जो बॉडी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो ये मान लेते कि नॉर्थ डायरेक्शन है अपवर्ड में और साउथ हो जाएगा फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बॉडी जो जा रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी जो साउथ डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन में इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वह साउथ डायरेक्शन में लग रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी टी इक्वल टू जीरो। अब जो फोर्स लग रहा है उसको हम टी इक्वल टू जीरो टाइम से कंसिडर करेंगे, यानी जब फोर्स लगना इस पर बॉडी पर स्टार्ट होता है तो वहां से हम टी इक्वल टू जीरो काउंट करना चालू करेंगे। द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी एक्स इक्वल टू जीरो, और उस समय पोजिशन जो होगा बॉडी का वह भी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। यानी मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो है, मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो एक्स यहाँ पर जब जीरो है उस समय इस बॉडी पर फोर्स लगना चालू होता है और उसी समय हम टाइम को भी मेजर करना चालू करेंगे। यानी जब बॉडी यहाँ पर पहुंचा होगा उस समय टी इक्वल टू जीरो होगा और उसी समय फोर्स को भी हम फोर्स इस पर लगना चालू होता है। इसी समय जब बॉडी यहाँ पर पहुंचता है उस समय फोर्स को हम अप्लाई करते हैं बॉडी पर और टाइम को भी मेजर करना चालू कर देते हैं। तो हमें पूछा गया है द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम टू बी एक्स इक्वल टू जीरो एंड प्रिडिक्ट इट्स पोजिशन एट टी इक्वल टू माइनस 5 सेकेंड। अब हमें जो बॉडी है उसका पोजिशन बताना है, कब कब बताना है, एक बताना है माइनस 5 सेकेंड, यानी यहाँ पर तो जीरो था, 0 सेकेंड था टाइम, तो माइनस 5 यानी यहाँ से 5 सेकेंड पहले जब बॉडी होगा उस समय उसका पोजीशन बताना है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर बॉडी होगा, और 25 सेकेंड, यहाँ 0 सेकेंड है और यहाँ से जब 25 सेकेंड टाइम मेजर करेंगे उस समय बॉडी का पोजीशन क्या होगा, और लास्ट में 100 सेकेंड यानी 100 सेकेंड जब टाइम खत्म हो जाएगा तो उस समय बॉडी का पोजीशन क्या होगा तो हमें बताना है। तो देखिए यह बॉडी आ रही है इस पर, इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से यह बॉडी आ रही है। जब इस पॉइंट पर पहुंचती है तो इस पर फोर्स लगता है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा साउथ की डायरेक्शन में होगा, साउथ यानी यहाँ पर नीचे की तरफ साउथ है और नॉर्थ ऊपर है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। तो साउथ डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने के कारण क्या होगा, या जो बॉडी है नॉर्थ की तरफ जा रही है और इस पर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो कुछ देर के बाद यह बॉडी रुक जाएगी, कुछ क्षण के लिए रुक जाएगी और फिर यह साउथ डायरेक्शन में आने लगेगी, क्योंकि जो बॉडी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा यह कुछ दूर तक जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन में और कुछ देर के बाद इसका जो वेलोसिटी होगा जीरो होगा और वहां से वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में वह बॉडी मूव करने लगेगी। तो हमें एक्स इक्वल टू जीरो सॉरी टी इक्वल टू माइनस 5 सेकेंड में उसका टाइम बताना है, 25 सेकेंड में सॉरी माइनस 5 सेकेंड में उसका पोजीशन बताना है यानी यहाँ से कितना डिस्टेंस पर था और 25 सेकेंड और 100 सेकेंड में उसका पोजीशन बताना है। तो देखिए जब बॉडी यहाँ पर था तो इस पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये बॉडी का हमें मास दिया गया है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट माइनस 5 सेकेंड इज जीरो एज नो फोर्स इज अप्लाइड टिल टाइम इक्वल टू जीरो। तो माइनस 5 सेकेंड पर तो बॉडी पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, जब बॉडी यहाँ टाइम जीरो हुआ तब बॉडी पर फोर्स लगना चालू हो गया, तो जो माइनस 5 सेकेंड तक बॉडी पर फोर्स लगना नहीं चाह फोर्स कोई लग ही नहीं रहा था, तो हम इस इक्वेशन में जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है इसमें से देखिए हम अगर कौन सा इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम पोजीशन को मालूम करते हैं। तो
तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस at, इसमें तो पोजिशन इस इक्वेशन से पोजिशन मालूम नहीं चलेगा। s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ at स्क्वायर, हम सबसे पहले माइनस फाइव सेकेंड वाला पोजिशन निकालेंगे, तो माइनस सेकेंड माइनस फाइव पर एक्सेलेरेशन नहीं है, तो ये एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा और टाइम भी दिया हुआ है माइनस फाइव सेकेंड और u इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, तो हम s को इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ at स्क्वायर। ऐसे भी जानते हैं जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है और एक्सेलेरेशन नहीं है तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके हम इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम मालूम कर सकते हैं। तो आइए हम मालूम करते हैं, तो s हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 5 है, s 5 यानी 5 सेकंड वाला पोजीशन, तो यहाँ पर at क्या है, a 0 है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो s 5 यानी 5 सेकंड के समय जो पोजीशन होगा वो होगा 10, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 हो जाएगा और टाइम है माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा माइनस 50 मीटर, यानी यहाँ से माइनस 50 मीटर, यानी साउथ की तरफ यहाँ से 50 मीटर आएंगे, वहां पर यह माइनस फाइव सेकेंड में उस समय वह बॉडी का पोजिशन होगा। अब हम 25 सेकेंड पर बॉडी का पोजीशन को मालूम करते हैं, तो हम इसमें भी ये वाला इक्वेशन ही यूटिलाइज करेंगे, तो हमें इसके लिए पहले देखिए 25 सेकंड में तो एक्सेलरेशन था क्योंकि 0 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन उस पर चालू हो गया है, तो पहले हम एक्सेलरेशन को निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा फोर्स है माइनस 8 और इसको डिवाइड करेंगे 0.40, तो ये हो जाएगा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेलरेशन को माइनस क्यों लिया है, हम अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउन यानी नॉर्थ के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पर और साउथ के डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं, और जो एक्सेलरेशन है वह साउथ की डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर ये जो फोर्स हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा और माइनस 8 को 0.40 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो बॉडी पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन है साउथ की तरफ, तो ये 25 यानी 25 सेकेंड में उसका पोजिशन को हम निकाल सकते हैं ये वाला इक्वेशन यूज करके। तो देखिए हम सिर्फ इसमें क्या करना है कि हमें जो डायरेक्शन है एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव लेना है, और हम निगेटिव पॉजिटिव को हम अगर अच्छी तरह से इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो जो पोजीशन है वह इजिली मालूम चल जाएगा, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और कितने हमें मालूम नहीं है कि कितने टाइम के बाद यह रिटर्न आती है, तो पोजीशन क्या है वह कम होते जाएगा, रिटर्न होने के बाद पोजीशन कम होते जाएगा, लेकिन हम अगर इस इक्वेशन में माइनस और पॉजिटिव साइन को अगर हम अच्छी तरह से रखेंगे तो हमें पोजीशन मालूम चल जाएगा, और वह अगर पोजीशन माइनस में आता है तो समझ जाएंगे कि यह जीरो से नीचे है और पॉजिटिव में आता है तो जीरो से ऊपर है, तो यह 25 हो जाएगा 20 × 25 इनिशियल वेलोसिटी 10 है और टी है 25 प्लस हाफ ए है माइनस 20 एक्सेलेरेशन क्या है माइनस 20 और टी है 25 का स्क्वायर हो जाएगा वहां पर, तो ये हो जाएगा एस 25 यानी 25 सेकेंड के बाद पोजीशन 250 इसको करेंगे तो 250 और माइनस इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 20 तो 10 हो जाएगा माइनस 10 और 25 का स्क्वायर 625 तो ये हो जाएगा माइनस 6000 मीटर यानी माइनस 6 किलोमीटर, यानी यहाँ से यह 6 किलोमीटर साउथ में जब बॉडी 25 सेकंड के बाद यह बॉडी यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा 6 किलोमीटर पर, यानी यहाँ से साउथ में 6 किलोमीटर इसका पोजीशन होगा। अब तीसरा निकालते हैं 100 सेकंड के बाद पोजीशन क्या होगा, तो 100 सेकंड में पोजीशन निकालने के लिए देखिए
30 सेकेंड तक द बॉडी पर फोर्स लग रहा है, एज द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 30 सेकेंड ऑन बॉडी विल हैव एक्सेलरेशन फॉर 30 सेकेंड ओनली। तो जितने देर तक फोर्स लगता है उतने ही देर तक बॉडी में एक्सेलरेशन लगता है, और जैसे ही हम फोर्स हटा देंगे बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी पर एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, बॉडी पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन उस समय 30 सेकंड में जो बॉडी ने जो वेलोसिटी एक्वायर कर लिया होगा, अब उस वेलोसिटी से वह बॉडी मूव करेगा। तो आइए देखते हैं, हम एस पहले 30 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो एस 30 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 30 प्लस हाफ माइनस 20 और मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 10 मल्टीप्लाई 900, तो ये हो जाएगा माइनस 8700 मीटर, यानी माइनस 8.7 किलोमीटर। यानी 30 सेकंड के बाद जो बॉडी का पोजीशन होगा, यहाँ से साउथ की तरफ 8.7 किलोमीटर होगा। अब हमने 30 सेकंड में पोजीशन निकाल लिया, और 30 सेकंड के बाद क्या होता है कि बॉडी पर फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो हमें 30 सेकंड के बाद जो बॉडी का वेलोसिटी है वो अगर हम मालूम कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट 70 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, और यह दोनों को ऐड कर देंगे 30 सेकंड और नेक्स्ट 70 सेकंड वाला, तो हमें टोटल डिस्टेंस मालूम चल जाएगा, यानी पोजीशन मालूम चल जाएगा। तो यह भी 30 यानी 30 सेकंड के बाद वेलोसिटी को हम निकाल लेते हैं। तो हम वेलोसिटी निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80। तो v है 10, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, माइनस 20 और एक्सेलरेशन 20 है, और t 30 है, तो ये हो जाएगा माइनस 590 मीटर पर सेकंड। यानी 30 सेकंड के बाद उसका जो वेलोसिटी होगा माइनस 590 मीटर पर सेकंड होगा। अब हम 70 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, यानी 30 सेकंड के बाद नेक्स्ट 70 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो यह हो जाएगा, हम इसमें यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम सिंपली भी एस इक्वल टू यू टू यू टी यूज कर देंगे, एस इक्वल टू यू टू, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है तो यह वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो U कितना हमें मालूम चल गया, 30 सेकंड के में U है 590 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 सेकंड, तो ये हो जाएगा माइनस 41,300 मीटर। तो यानी 70 सेकंड का जो पोजीशन होगा, जो 30 सेकंड का पोजीशन है उसे और साउथ में होगा, और वो होगा 41,300 मीटर। तो हमें टोटल पोजीशन क्या हो जाएगा, एस 30 प्लस एस 70, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 8.7 किलोमीटर प्लस 41.3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा माइनस 50 किलोमीटर। यानी यहाँ से माइनस 50 किलोमीटर, यानी साउथ की तरफ वह बॉडी चला गया रहेगा 50 किलोमीटर, यानी 100 सेकंड में वह बॉडी का जो पोजीशन होगा यहाँ से 50 किलोमीटर साउथ में होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।